और शुरुआत नोएडा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। सेक्टर 7 की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। क्या कारण है इस आग के लगने का, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बिना फायर सेफ्टी उपकरण के फैक्ट्री चलाने की खबर आ रही है। ये सेक्टर 7 का मामला है, प्लास्टिक की फैक्ट्री जिसमें आग लगी, और आप देखिए कैसे इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, यह साफ हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 7 का मामला है, प्लास्टिक फैक्ट्री, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसमें लगी आग को बुझाने में जुटी हैं। कारण क्या था इस आग के लगने का, यह अभी तक साफ नहीं है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं इस आग को बुझाने के लिए। इतनी भीषण आग, सेक्टर 7 का मामला, प्लास्टिक की फैक्ट्री, आप अंदाजा लगाइए किस तरह से धू धू करके जल रहा होगा यहां रखा सामान। और देखिए आप, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया है इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन कारण क्या रहा इस आग के लगने का, यह अभी तक साफ नहीं। और यह साफ जरूर हो रहा है कि बिना फायर सेफ्टी उपकरण की यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यह जरूर साफ हुआ है अभी तक। तो यह भी बड़ा कारण कि इतना समय लग रहा है और यह आग इतनी भयावह रूप धारण कर चुकी है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई हैं इस आग को बुझाने के लिए। सेक्टर 7 की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। आगे बढ़ते हैं वाराणसी से आ रही बड़ी खबर के साथ। ज्ञान वापिस सर्वे वीडियो लीक होने का मामला है, और आज सील पैक लिफाफे कोर्ट में जमा कर सकता है हिंदू पक्ष, चारों लिफाफे कोर्ट में जमा कर सकता है वादी पक्ष। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादी पक्ष ने लिफाफे जमा करने की बात कही थी। आपको बताएं कि सर्वे वीडियो लीक होने के बाद वादी पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कल उन्होंने वादा किया था कि उनकी तरफ से चारों सीलबंद लिफाफे कोर्ट को जमा करा दिए जाएंगे। उनका दावा है कि सीलबंद लिफाफे कोर्ट को देने से पता चल सकेगा कि यह वीडियो हिंदू पक्ष ने लीक नहीं किया है। दरअसल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 4 सीलबंद लिफाफे दिए थे, 8 सील पैक लिफाफे कोर्ट में जमा करा सकता है हिंदू पक्ष। ये देखिए आप, जो वीडियो लीक हुआ वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादी पक्ष ने लिफाफे वापसी को कहा था। तो दरअसल कल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का वीडियो सामने आया था, और ये वीडियो एबीपी गंगा के पास भी है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह होने की गवाही दे रहा है। वजू खाने में पानी कम कराने के बाद शिवलिंग जैसी आकृति दिखी। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। मस्जिद की दीवारों के अंदर त्रिशूल की आकृति और हाथी के चिन्ह उकेरे हुए हैं, ये दिख रहा है इस वीडियो से। ये देखिए आप, तो वीडियो जो एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, उसके अलावा शिवलिंग का होने का जो दावा है वो भी तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आप हिंदू पक्ष आज कब करेगा कोर्ट को ये सीलबंद लिफाफे वापस? राजन जी, 11 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। 11 बजे के बाद जो वादी पक्ष है वो कोर्ट पहुंचेगा, और कोर्ट में जिस तरह से कल सीलबंद लिफाफे 4 वादी जो पक्षकार हैं उनको मिले थे, तो वो सारे 4 लिफाफे वो वापस करेंगे। वजह ये बताई जा रही है कि जैसे ही लिफाफे पक्षकारों को मिले वादी पक्ष के, उसके तुरंत बाद वीडियो वायरल होने लगे। तत्काल बाद वीडियो वायरल होने से जो वादी लोग हैं वो आहत हैं। आहत इसलिए कि उनसे एक सिग्नेचर कराया गया है कोर्ट में, और साफ तौर पे कहा गया है कि इस वीडियो को कहीं भी सार्वजनिक नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में जब वीडियो वायरल हो गया, वीडियो हर किसी के पास पहुंचने लगा, ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह से मंदिर साक्ष्यों के प्रमाण लोगों तक पहुँचने लगे, ऐसी स्थिति में जो वादीगण हैं, जो पक्षकार हैं, जो 4 महिलाएँ हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि कोर्ट कहीं उन पर शक न कर बैठे। ऐसी स्थिति में जिस सील में लिफाफे उनके पास पहुंचे थे, उसी सील के आकार में जैसा था वैसा ही वो कोर्ट को वापस कर देंगे। और इसके साथ ही ये मांग भी करेंगी कि ये वीडियो आखिर लीक कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी उन्हें दें।
इसके पहले आपको बता दूं कि वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा था कि इस वीडियो को सार्वजनिक किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस पर आपत्ति जता दी और कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो को किसी भी के सार्वजनिक नहीं करना है। उसके बाद वीडियो सीलबंद लिफाफे में इनको दिया जाता है, सशर्त दिया जाता है, लेकिन फिर भी वीडियो वायरल हो जाता है। तो आखिर इस वीडियो वायरल होने के पीछे का सच क्या है? क्या चारों वादियों को कोई फंसाना चाहता है? आखिर इस वीडियो के बाहर आने का मतलब क्या है? कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अगर इतर बात करें तो आज 11 बजे के बाद वादी पक्ष की महिलाएं अपना सीलबंद लिफाफा कोर्ट को वापस सौंपेंगी। राजेंद्र जी, नीतीश, लेकिन वादी पक्ष की जो महिलाएं जिनसे आपकी बात हुई कल और इस वीडियो के लीक होने के बाद बात हुई, वो इस वीडियो के कंटेंट से बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी और बार बार कह रही थी, हमने उनको देखा कहते हुए, कि यही तो था जो इस वीडियो में दिख रहा है, और यही बात वो कह रही थी। नीतीश, निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, और ये महिलाएं कल वीडियो के वायरल होने की बात तो कह ही रही थी। जैसे ही सर्वे खत्म हुआ था, ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे है वो खत्म हुआ था, उसके तत्काल बाद से वादी पक्ष लगातार ये कह रहा है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, उसमें त्रिशूल, नाग की आकृति, इसके साथ ही अगर बात करें पान के पत्ते, चक्र की बात करें, कमल के फूल की आकृति की बात करें, इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की आकृतियां जो खंभे हैं उसमें पाई गई थी, दीवारों पर पाई गई थी, जो दीवार है उस पर संस्कृत में लिखे हुए श्लोक पाए गए थे, ऐसी बातें जो वादीगण पक्षकार लोग हैं वो बता रहे थे। अब ये वीडियो सामने है, जनता के सामने ये वीडियो है और जनता इस पर तमाम तरह की चर्चाएं करती है। लगातार ये बातें सुनने में आ रही हैं कि आखिर मस्जिद के भीतर ऐसे प्रमाण कैसे, जो मस्जिद कही जाती है वो उसके भीतर अगर ऐसे प्रमाण है तो फिर जब सामने हर चीज है तो फिर अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी की जो स्थिति है, जनता में चर्चाओं का दौर जारी है, वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है और महिला पक्षकार, महिलावादी इसे लेकर कोर्ट में शिकायत करने वाली है। ठीक है, सुबह 11 बजे के बाद बात का वक्त है जब ये सीलबंद लिफाफे वादी पक्ष वापस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, बात राज्यसभा चुनाव से जुड़े अपडेट की करते हैं। सपा उम्मीदवारों के बाद आज भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन भरने वाले हैं और नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में सभी नेता नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और यहां पर आपको बताएं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा के 8 प्रत्याशियों के अलावा सपा समर्थित 3 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। आज भाजपा के 8 प्रत्याशी सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में नामांकन करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, ये सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। कल जयंत चौधरी ने नामांकन किया और इसके साथ ही सपा और सपा समर्थित उम्मीदवारों की संख्या हो गई है 3 और आज भाजपा के 8 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर देंगे, एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे भाजपा के 8 उम्मीदवार। तो राज्यसभा नामांकन का आज आखिरी दिन है, भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव का नामांकन होगा। इसके अलावा मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण का भी नामांकन का काम आज होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। सपा के 3 उम्मीदवार पहले ही नामांकन कर चुके हैं। 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा, 7 सीटों पर भाजपा और 3 सीट पर सपा की जीत तय है। आइए अब आपको अनुभव शुक्ला के पास ले चलते हैं, जो कि राज्यसभा के इन चुनावों पर जो आज नामांकन होना है इसके लिए उस पर भी और जो समीकरण है उस पर भी नजर रखे हुए हैं। अनुभव, भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार नामांकन करेंगे, समाजवादी पार्टी और उनके समर्थित 3 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं, अब कुल मिलाकर समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, बिल्कुल, पहले बीजेपी के 6 कैंडिडेट के नाम घोषित हुए थे, फिर 2 कैंडिडेट के नाम जो है वो देर रात घोषित हुए। एक मिथिलेश कुमार जो शाहजहांपुर से पहले एमपी थे, समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, विधायक भी रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है वो। और इसके अलावा के लक्ष्मण, वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो
बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन जिन दो नामों की अगर हमको बहुत ज़्यादा चर्चा थी, कहा जा रहा था मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से उनको ज़रूर भेजा जाएगा, उनका नाम तो नहीं आया, जफर इस्लाम का भी नाम नहीं आया। तो ऐसे में एक बड़े संकेत भी बीजेपी ने दिए हैं और आज ये सभी आठों उम्मीदवार जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। जो बात आपने कही कि टंडन हॉल, वहीं पर ये नामांकन होता है और वहीं पर सब लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे और सभी लोग जाएंगे और ये नामांकन जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन सवाल जो आपने पूछा कि अब 11 ही नाम है तो ऐसे में क्या होगा, देखिए जब 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और 11 ही लोग मैदान में हैं तब कोई चुनाव नहीं होगा, तब हो जाएगा सबका निर्विरोध निर्वाचन, यानी कोई इलेक्शन नहीं होगा और सभी लोग निर्विरोध तरीके से राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, बीजेपी ने 8 उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो ऐसे में अब लग नहीं रहा है कि कोई भी सरप्राइज करेगा या कोई नया कैंडिडेट किसी की तरफ से भी आएगा। तो ऐसे में यही लगभग तय है कि 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार होंगे, जो चुनाव होना था 10 जून को वो नहीं होगा और निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि अगर जैसे प्लान है वैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आज दिन में 8 ही भाजपा के कैंडिडेट नामांकन करते हैं तो कुल 11 उम्मीदवार होंगे और फिर चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। अब चंपावत उपचुनाव की बात कर लेते हैं, बड़ी खबर है, वहां पर मतदान चल रहा है। मतदान स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मतदान स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर है चंपावत से, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ इस उपचुनाव के लिए और अब मतदान स्थल पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद और निरीक्षण कर रहे हैं मतदान स्थल का। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त चंपावत से हमारे पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद चुनाव मैदान में है वो पहुंचे हैं मतदान स्थल पर और निरीक्षण कर रहे हैं वहां पर मतदान की प्रक्रिया का। बड़ी अपडेट आ रही है चंपावत से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव जीतना अत्यंत आवश्यक। मुकाबले में है उनके निर्मला गैतोड़ी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है मतदान शुरू हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ देर पहले जब पूजा अर्चना की, जब ईश्वर की शरण में पहुंचे, जब परमात्मा के सामने गए आज इस महत्वपूर्ण दिन पर, तो उस वक्त की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। मंदिर में पूजा आराधना करते हुए कुछ देर पहले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा वक्त से मतदान जारी है चंपावत उपचुनाव के लिए और ऐसे आज अपने दिन का आरंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ईश्वर की शरण में शीस नवाया, माथा टेका, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में जो व्यवस्था है उसका पालन किया यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और अभी अपडेट यह है कि वो मतदान स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। चंपावत उपचुनाव के लिए 1 घंटे से ज्यादा वक्त से मतदान जारी है और मतदान स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन आप जो तस्वीरें दूसरी ओर देख रहे हैं दाहिनी ओर, उसमें वो थोड़ी देर पहले पूजा आराधना करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। मतदान की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। मतदान करने के लिए कतारों में लोग लगे हुए हैं सुबह 7 बजे से पहले से ही और कईयों ने जिन्होंने एबीपी गंगा से बात की उन्होंने अपना इरादा भी साफ जाहिर किया कि वो सबसे पहले मतदान कर लेना चाहते हैं। 2 तस्वीरें मतदान से जुड़ी हुई, चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी। शाम के 5 बजे तक मतदान चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं मतदाता चंपावत के। और देखिए आज ये महत्वपूर्ण दिन, किस्मत का साथ सारे उम्मीदवारों को चाहिए होता है, मुख्यमंत्री को भी चाहिए और इसीलिए वो ईश्वर की शरण में पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज और दोनों सदनों में यूपी का बजट पास कराएगी सरकार। बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा ने व्हिप जारी किया हुआ है अपने एमएलए को। बजट पास कराते वक्त सदन में हंगामे के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। दोपहर करीब 1 बजे बजट अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी करेंगे। बजट सत्र के आखिरी दिन आज सरकार हर हाल में इस बजट को विधानसभा और विधान परिषद से पास कराएगी और इसी वजह से दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। एक ओर जहां भाजपा ने व्हिप जारी किया है तो विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। और इसके अलावा सदन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट भाषण पर अपनी बात रखेंगे दोपहर तकरीबन 1 बजे।
सदन के पटल पर इस बजट पर मुख्यमंत्री खुद अपनी टिप्पणी देंगे, अपना बयान देंगे। और एक बार फिर से चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं, जहां पर मतदान चल रहा है। मतदान स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मतदान स्थल का निरीक्षण वो कर रहे हैं। तस्वीरें हमें मिल रही हैं चंपावत उपचुनाव की, ये देखिए आप कैसे मतदान स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैसे उन्होंने मतदान स्थल का निरीक्षण किया। एक घंटे से ज्यादा वक्त से मतदान जारी है, मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए कैसे। सीएम धामी मतदान स्थल का निरीक्षण करते हुए, आज उनके लिए मतदान कर रहे हैं मतदाता, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। उपचुनाव हो रहा है और मतदान स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 105 106 देखिए आप कैसे मतदान स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जो मतदाता महिलाएं लाइन में लगी थी उनसे थोड़ी सी बात भी हुई होगी। ये मतदाता है, बड़ी खबर है बरेली से, एम्बुलेंस और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हुई है वहां पर और एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौके पर मौत की खबर आ रही है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस और डीसीएम की टक्कर में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, बहुत अफसोसनाक, बहुत दुखद। 3 महिलाएं और 4 पुरुष, यह हादसा हुआ है फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के दिल्ली हाईवे पर। एम्बुलेंस की डीसीएम से टक्कर हुई, 7 लोगों की जान गई। बरेली से बड़ी खबर, बेहद अफसोसनाक, 3 महिलाएं और 4 पुरुष मृतकों में शामिल। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई इस भीषण हादसे में। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाका, दिल्ली हाईवे, बरेली का ये क्षेत्र जहां पर यह हादसा हुआ। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है, बड़ा हादसा, 7 लोगों की जान गई है, 3 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। एम्बुलेंस की टक्कर हुई डीसीएम से और उसी में 7 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है इस भयावह, इस भीषण सड़क हादसे पर और घायलों के इलाज के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, इस भयावह हादसे पर दुख जाहिर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जो घायल हुए हैं इस हादसे में उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। यह बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है, बेहद अफसोसनाक सुबह सुबह मंगलवार की सुबह यह खबर। एम्बुलेंस डीसीएम से टकराई, 7 लोगों की जान चली गई, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, ऐसे निर्देश है मुख्यमंत्री की ओर से। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाका दिल्ली हाईवे, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, इस दुखद हादसे पर जिसमें 7 लोगों की जान गई है और जो घायल हुए हैं उनके इलाज के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। 3 महिलाएं हैं मृतकों में, 4 पुरुष हैं। फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाका और दिल्ली हाईवे जिस पर यह टक्कर हुई है, मुख्यमंत्री योगी ने इस भयावह सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया है। 7 तो मृतक ही हैं, तस्वीरें देखिए आप, एम्बुलेंस का हाल देखिए इस टक्कर के बाद से, ये देखिए आप कितनी भयावह, कितनी जोरदार ये टक्कर थी, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इस एम्बुलेंस का हाल देख लीजिए आप,
सात लोग मारे गए हैं इस हादसे में। डीसीएम जिससे टक्कर हुई इस एम्बुलेंस की, वो भी आप देखिए और उसका भी हाल आप देख लीजिए। ये भीषण टक्कर, एम्बुलेंस चकनाचूर हो गई। डीसीएम का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और एम्बुलेंस का आप हाल देख लीजिए। ये एम्बुलेंस देख लीजिए आप, इस टक्कर के बाद इसकी स्थिति देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी ये भयावह, कितनी जोरदार टक्कर थी।